कि आपके बच्चे को बार बार फीवर हो रहा है या कोल्ड कफ हो रहा है, तो उनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो होता है इम्यूनिटी सिस्टम, अगर बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो बच्चा बार बार बीमार होगा, कोल्ड कफ फीवर उसको बार बार होगा। बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए आप उसको गेहूं का दलिया गुड़ में डाल के, जैसे गुड़ वाला गेहूं का दलिया बना के खिलाइए। तो मैंने ये दलिया लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी को बॉयल होने के बाद हम इसमें ये दलिया डाल देंगे और 90% तक हमारा जो दलिया बन जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ को आप थोड़ा कूट के डालिए ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, जल्दी मेल्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और फिर आप ये दलिया अपने बच्चे को खिलाइए। इस ये दलिया खिलाने के बाद आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होगा और बच्चे को टेस्टी भी लगेगा और आपका बच्चा जल्दी बीमार भी नहीं होगा। काफ़ी बच्चों को ना वायरल फीवर हो जाता है, तो हम बच्चे को जैसे खिलाने के लिए पार्क ले गए या कुछ नीचे वैसे ले गए बच्चों को खिलाने के लिए, तो आपको करना क्या है, घर आते या तो आप उसको अच्छे से नहला दीजिए, अगर नहला नहीं रहे तो आप उसके अच्छे से कपड़े निकाल दीजिए, कपड़े चेंज कर दीजिए और हाथ पैर मुंह अच्छे से वॉश करवा दीजिए। उससे क्या होगा ना कि बच्चे का जो वायरल इन्फेक्शन है वो होने से बच जाएगा। इसी के साथ आप बच्चे को जैसे जो दुकान की चीज़ें होती हैं वो एकदम अवॉइड कर दीजिए, जैसे फ्रूटी हो गई, आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे बच्चे जो मांगते हैं ये आप एकदम अवॉइड कर दीजिए। जितना हो उसके आप बच्चे को घर पर बना के खिलाइए। बच्चा एक बार मांगेगा दुकान पे, 2 दिन मांगेगा, अगर आपने उसको रोते ही दिलवा दी चीज़ तो बच्चे को ये पता लग जाएगा कि मुझे रोने से चीज़ मिल रही है, तो अगले दिन वो आपको रो के ही चीज़ लेगा आपसे। उससे अच्छा आप बच्चे को 1-2 दिन रोने दीजिए तो उसको ये लग जाएगा कि अभी तो मेरे को चीज़ नहीं मिलने वाली, जो हमें पता है ना कि बच्चे के लिए सेहत के लिए कितना हानिकारक है, तो हम ही उनको दिलवा देते हैं क्योंकि हम ही उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें एक बार तो मजबूत बनना होगा। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको आप बिल्कुल भी ना दिलवाएं, घर ले जाएं। उसको भूख लगी तो आप उसको एप्पल खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए। और अगला रीजन क्या है, बच्चे में पानी की कमी हो जाना। काफ़ी बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं तो उससे उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो बच्चे को फीवर बार बार आता है या उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, खेलने कूदने में अच्छे से मन नहीं लगता उसका। तो उसके लिए आपको क्या करना, जैसे लस्सी हो गई वो लस्सी पिला दी, संतरे का जूस हो गया, बनाना शेक हो गया, इस तरह के आप उसको लिक्विड पिलाइए अगर आपके बच्चे में पानी की कमी है तो। और एक रीजन ये भी है, बच्चे में विटामिन सी की कमी हो जाना। अगर बच्चे में विटामिन सी की कमी है तो उसमें बहुत सारी कमजोरी आ जाती है, उसके कारण बच्चा आपका बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप उसको नींबू का पानी दीजिए, या फिर जो आंवला आता है उसको आंवला खिलाइए, या फिर आंवला अगर आपसे नहीं, अगर बच्चा नहीं खा रहा तो उसको आंवला जो जूस आता है आंवले का, पतंजलि का जो जूस आता है आंवला जूस, वो पिलाइए बच्चे को, बहुत फायदेमंद होता है वो बच्चे की सेहत के लिए भी। और अगर आपके बच्चे को कोल्ड और कफ हो गया है तो जैसे काली मिर्च तो हमारे किचन में मिल जाएंगी, तो काली मिर्च को तवे पे थोड़ा भून लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए और थोड़ा सा चम्मच के अंदर शहद डाल लीजिए, थोड़ा सा पाउडर डाल लीजिए वो काली मिर्ची का, और वो मिला के अपने बच्चे को चटाइए, उससे जो कोल्ड कफ है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। जैसे आपके बच्चे को कोल्ड कफ फीवर कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ कोल्ड कफ ना हो उनसे बचाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अदरक होती है और जो शहद होता है, अदरक को कूट के और उसका थोड़ा सा जूस निकाल लीजिए 1-2 बूंद, और शहद में मिला के आप अपने बच्चे को हफ्ते में एक बार ये जरूर चटाइए, उससे बच्चे को कोल्ड कफ भी नहीं होगा और फीवर भी। कुछ आसान से टिप्स थे अगर बच्चे को कोल्ड कफ फीवर हो गया है तो उनसे बचाने के लिए, अगर नहीं हुआ है तो उनको कैसे रोके उसके लिए। आई होप आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।